हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पोहे और आलू से कटलेट बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोहे और आलू से। आलू और पोहे के कटलेट्स बनाने के लिए ये हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और एक बाउल हमने पोहा लिया है, और ये हमने चीज को कद्दूकस कर लिया है। दो प्याज लिए हैं, इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। दो हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा, इसको भी हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये 10 से 12 हमने कड़ी पत्ता लिया है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। आधा चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, इसको हमने हाथों से मसल लिया है, और ये आधा चम्मच हमने जीरा लिया है। नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, और आधा चम्मच, और ये हमने हींग लिए है चुटकी भर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बाउल में पोहे को अच्छे से धो लूंगी। हमने पोहे को अच्छे से धो लिया है और ये अच्छे से भीग गया है हमारा पोहा। देखो कितने अच्छे से भीगा है ये पोहा। अब मैं इस पोहे को हाथ से मसल लूंगी। मैं हमारा पोहा अच्छे से मसला गया है। अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी और इसे भी मैं साथ ही मसल लूंगी आलू डाल के। इसमें ये हरी मिर्च और अदरक जो मैंने चॉपर में चॉप कर रखा था ये डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी ये, और ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है ये भी इसी में डाल दूंगी, और जो ये मैंने मसाले लिए थे ये भी इसी में ऐड कर दूंगी मैं, और इसे मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर लूंगी इसका। और ये हमारा पोहे और आलू का डो अच्छे से बनकर तैयार हो गया है ये पेस्ट। मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा पेस्ट लेके नहीं हाथ से बॉल्स बना लूंगी इसके। आप चाहे इसकी जैसे मर्जी कटलेट की शेप दे सकते हो। मैं इसमें अभी चीज़ भरूंगी इसको इस प्रकार से करके। अब मैं इसके अंदर चीज़ भर लूंगी और इसे मैं बॉल्स को बंद कर दूंगी। अर्स के कटलेट्स बनाकर तैयार कर लूंगी। इसी प्रकार से मैं अपने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लूंगी। ये हमारे सारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। इन्हें फ्राई कर लूंगी। और इन्हें हमें स्लो गैस पे ही फ्राई होने देना है। ये हमारे बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारे आलू और पोहे के कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं और मैंने इन्हें एक प्लेट में सर्व भी कर दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये हमारे आलू और पोहे के कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं एक कटलेट कट करके दिखाऊंगी आप। ये देखो अंदर चीज भरी हुई है मैंने, और कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है ये हमारे कटलेट। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।